नागरनंदा मुकुट परवारे जाओ नागरनंदा मुकुट परवारे जाओ नागरनंदा नंदा नंदा नागरनंदा। दिस इज समवट थोड़ा सा डिफरेंट है यमन से, क्योंकि यमन में मध्यम मतलब वो तीव्र मध्यम लगता है, लेकिन इसमें तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों लगता है ये जो बंदिश है। नागरनंदा नंदा नागर नंदा मुकुट परवारे जाओ नागर नंदा मुकुट परवारे जाओ नागरनंदा। दिस इज कॉल्ड वोल विस्तार। नागर नंदा मुकुट परवारे जाओ जाओ नागरनंदा। सो दिस हैपेंस इन साइकिल। सो वी कम बैक टू द सम। वी स्टार्ट फ्रॉम एनी बिट बट वी कम बैक टू द सम नागरनंदा। सो नंदा देयर द स्ट्रेस हैज बीन गिवन। नंदा मुकुट परवारे सब सखियानों में राधा भरी है, सब सखियानों में राधा भरी है, नदियों में जैसे गंगा मुकुट परवारी जाऊँ नागरनंदा। सब देवनों मुकुट परवारी जाऊँ नागरनंदा। यहाँ से ताल थोड़ा एनहांस कर सकते। नंदा मुकुट परवारी जाऊँ नागरनंदा नागरनंदा परवारी जाओ नागरनंदा नागर नंदा मुकुट परवारी जाओ नागरनंदा। एवरीथिंग हैपेंस इन द साइकिल। निर गामा पामा गर गामा तानी सानी गामा गरे सा
नीरे गा दे गा म गा म दा म दा नी धा नी रे नीरे गा गा दे सा नीरे गा दा म दा म गा रे गा म गा दा म गा रे सा ना तर पाव गरे गा म नी रे पाव गरे गा म दा नी सा नी धा नी रे गा दे नी धा नी धा नी धा म दा नी गा म नी रे पाव गरे गा दे सा नी रे सा ना तर ना। अब आकार कर सकते बस ऐसे ही हम लोगों का बाधा जो होते हैं तो वो करते हैं हम लोग, बहुत चीज इसमें डाल सकते हैं। तो जो ध्रुपद धामर की चीज कह रहे, एक तो वो नोम तो माला जैसे मैंने किया है, दूसरा चीज है कि ये जो चीज है ना मुकुट परवारी जाऊं, ये सारा चीज है जो ये हम लोग सादरा में दिखाते हैं, तो ये ध्रुपद धामर से लाया गया चीज है। बहुत वेरी गुड, बहुत गुड। आई थिंक लेट्स गिव हिम राउंड ऑफ अप्लॉज। प्लीज अनम्यूट कर लें आप लोग, अनम्यूट करके वी शुड क्लैप। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत मजा आ गया मेरे ख्याल से, थोरली एंजॉयड। नीलू जी डॉक्टर संगीता, इट्स एन ऑनर टू मीट यू एंड सी यू इन पर्सन, योर परफॉर्मेंस। क्लासिकल म्यूजिक मेरा बेटा भी परस्यू कर रहा है, और जितनी तपस्या चाहिए इसको लाइक परस्यू करने में, एक होलसम डेडिकेटेड लाइफ चाहिए। इनफैक्ट जो गुरु हैं उनके, वो समझाते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसको डेडिकेट की है, बट आप जो है अपने प्रोफेशन के साथ, जो कि अपने आप में इतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रोफेशन है, उसके साथ इसको परस्यू कर रहे हैं, और इतनी खूबसूरती से आप उसको एक्सप्लेन कर करके सारे राग को बता रहे थे। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, बहुत मजा आया। दिव्या जी, दिव्या जी तो खुद सीख रही हैं इंडियन क्लासिकल आजकल। बहुत ही अच्छा, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू से एनीथिंग, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम आपकी आवाज और आपका सुनना। सबसे बढ़िया बात यह कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है हर चीज को, वेरी वेरी गुड। क्योंकि गाते हुए तो सुना है सबको, लेकिन एक्सप्लेन कोई नहीं करता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशंस आल्सो। मनीष जी, डॉक्टर संगीता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और इतना अच्छा हमें संगीत सुनाने के लिए। आपकी आवाज में जो खुलापन है ना, वो उससे पता चलता है कि आपने इसमें कितनी तपस्या की है, आपने कितना रियाज किया है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि एक राग को परफेक्शन पे ले जाने के लिए 2 साल तक लग जाते हैं, वो दिख रहा है कि आपकी परफेक्शन पहुंच चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपने, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि कितने वेरिएशंस होते हैं उसमें, किस तरीके से क्या क्या चीजें आप ऐड कर सकते हो। और मेरे ख्याल से जब आप परफॉर्म्स करते हो उसी वक्त आपके दिमाग में आता है कि अच्छा मुझे ये भी ऐड कर सकते हैं, अब ये भी कर देना चाहिए। तो वो जो प्रेजेंस होती है वो दिख रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। लता, वुड यू लाइक टू से समथिंग? लता, हेलो हेलो डॉक्टर, हाय 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 लता, हेलो वेलकम। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सॉरी मैं कैमरा, मैं बेबी को फीड कर रही हूँ इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती। ओके, पर डॉक्टर संगीता, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। आई लिसन टू यू थ्रू आउट, और आई थिंक जो आई एग्री टू ऑल द कमेंट्स, जिन लोगों ने भी बोला हाउ ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन, हाउ ब्यूटिफुली यू सांग, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि व्हेन यू वर सिंगिंग आप एक स्टेट ऑफ फ्लो में चली गई थी। देयर इज अ डिफरेंट, व्हेन आई से स्टेट ऑफ फ्लो आई मीन देयर इज अ डिफरेंट जोन यू एंटर व्हेन यू आर सिंगिंग। इवन इवन इन रेपिटेशंस द ट्रांजिशंस वर सो स्मूथ, तो वो स्टेट ऑफ फ्लो में हम सब चले गए थे विथ यू। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, और मुझे तो लग रहा था कि खत्म ही ना हो, बिकॉज आई वॉज इन दैट स्टेट विथ यू। सो इट वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड सूदिंग, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द बेबी एज वेल। थैंक थैंक यू
हाँ सुनते रहिए, मतलब क्लासिकल म्यूजिक सबको सुनते रहिए, और ये आपका बेबी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, मतलब इनफैक्ट उनकी तबीयत भी काफी अच्छा रहेगा। मतलब क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा इम्पैक्ट करते हैं सच में, मतलब रात को अगर हो सकता है कि आपके बेबी बाद में वो चीज मतलब लेके बाद में वो म्यूजिशियन बनने का ख्याल उनमें आ जाए, मेरा तो सिर्फ बहुत ये मन नहीं। है कि मैं हाँ सिखाऊं अब अगर इसको, जी, हाँ और सेम मतलब जैसे सुनते रहिएगा अगर आपको बिल्कुल मन है बिल्कुल कि, तो ऐसे गाने सुनते रहिएगा, अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिएगा। सिर्फ ये नहीं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आप बहुत अच्छे अच्छे गाना है तो सुनते रहिएगा, उनके तबीयत के बिल्कुल लिए भी बहुत फायदेमंद है। ही विल बी कीपिंग बिल्कुल फाइन। बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। डॉक्टर संगीता, लता आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही है अपनी बेबी के साथ। हर बेबी इज आई थिंक जस्ट अबाउट 2 months ओल्ड, टू मंथ्स 2 months। यस तो अभी दिस शी इज ज्वाइनिंग आफ्टर डिलीवरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अदरवाइज शी यूज्ड टू बी क्वाइट रेगुलर फ्यू मंथ्स बैक। तो आज ये पहली दफा ज्वाइन कर रही है, आई थिंक वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट लता एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू थैंक यू। यू आप सो मच। लोग बहुत अच्छे रहे, अच्छा मतलब बेबी बहुत अच्छा करते रहे, यही आशीर्वाद है। मैं बहुत ज्यादा अच्छा हिंदी तो नहीं बोल सकती हूँ नहीं, बहुत ही लेकिन प्यारा हिंदी है आपका, और उससे भी प्यारा आपका संगीत है, तो आई मीन नथिंग एल्स मैटर्स। थैंक यू सो मच। रहेजा जी, रहेजा जी अनम्यूट करके बोले तो हमें भी समझ आएगा। गुड फर्स्ट इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा संगीता जी, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा था कि आप बिल्कुल अभी जो बोल रहे थे उसमें मगन हो रखे थे बिल्कुल, और साथ साथ उनके मीनिंग भी अब बताते जा रहे थे, तो दैट वाज मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि दूसरों को ये भी पता लग रहा है कि भाई जो आप गा रहे हैं उसका अगर मीनिंग नहीं पता चल रहा तो आप उसका आप मीनिंग उस बताते जा रहे हैं, दैट वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने थैंक यू थैंक यू। वही कोशिश किया जो गुरुजी से सीखे हैं, क्योंकि गुरुजी भी ऐसे ही हम लोगों को सिखाते थे मीनिंग बता बता के, तो यस बहुत अच्छा गुरु है जिनको मैंने पाया है।